कार्य को और नीतियों को और स्कीम्स को और उसके टूल्स को वो कैसे बढ़े और कैसे हम गुड गवर्नेंस दे सकें, इसके बहुत ही सफल प्रयास हुए हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ गुड गवर्नेंस के क्या जिसे हम कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है और उसके लिए बेटरमेंट के लिए जो इंटरवेंशंस की जरूरत होती है उसके प्रति एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा सजग रही है। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 28 लाख करोड़ रुपए हैव बीन डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरीज राइट इन टू देयर अकाउंट्स एंड स्टिल वी आर ट्राइंग टू सी टू इट वी हैव बीन एबल टू ब्लॉक चेक द लीकेज ऑफ 4 to 5 lakh crores जो लीकेज का स्कोप था। उसी तरीके से अगर हम देखें डिजिटल टूल्स का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नेंस में बढ़ा है जिसके कारण एक पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं तो वह भी 9 साल के अंदर फोकस्ड हुई है और वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए की गई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सब के प्रति स्कीम्स को फोकस किया गया है और फोकस करने के कारण इनके एम्पावरमेंट में हम लोगों को बहुत ही सफलता मिली है और इसके कारण भी एनडीए और एनडीए के घटक दलों में एक उत्साह एक वातावरण देखने को मिलता है और तीव्र गति से आगे चलने की आकांक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और जीरो टॉलरेंस के दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि सतत गवर्नमेंट के अंदर भी टूल्स का उपयोग करना थर्ड पार्टी सपोर्ट लेना और कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त न होना इस बात को भी हम आगे लेकर के चले। एक मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 9 सालों में स्ट्रांग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यह हम सब लोगों को देखने को मिली है जिसको देश ने भी सराहा है और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बना है। एक साधारण भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करता है जब वो देखता है, बेचारा पढ़ा लिखा भी कम है तब भी वो जानता है कि मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में एक मिसाल पेश की है जहां बड़े बड़े डेवलप्ड देश अपने आप को अनडिसाइसिवनेस के कारण अनिर्णयता की स्थिति के कारण वह सफल नहीं हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में मिसाल दी है। और मिसाल सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान देश को तैयार किया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने वैक्सीन बना ली 9 महीने के अंदर, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि वैक्सीन बना करके इसके साथ साथ 220 करोड़ डोज डबल डोज विद बूस्टर दे करके देश को निजात दिलाया। और सब जगह पर कोविड की लड़ाई इन गवर्नमेंट्स ने लड़ी, यहां मोदी जी ने कोविड की लड़ाई समाज के साथ और देश के साथ लड़ी और देश ने लड़ा उसको, उसका नेतृत्व मोदी जी ने किया लेकिन उन्होंने देश को साथ अपने लेकर के चले। तो यह पीपल्स पार्टिसिपेशन इसका भी एक इसमें हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है। अभी आर्थिक जगत की बात हो रही है तो आर्थिक जगत की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब दुनिया की आर्थिक स्थिति एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया में भी यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, जब दुनिया में भी कोविड मैनेजमेंट के कारण तकलीफें आई हैं, वहां इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि इंडिया की इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी एंड इट इज द ब्राइट फ्यूचर। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं कि यह एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये की ड्राइवर है फॉर एशिया एंड फॉर द ग्लोब ग्लोबल ग्रोथ। हमारी गरीबी आज 22% से घट करके 10% से कम हो गई है अकॉर्डिंग टू IMF।
हमारी अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। तो इसलिए एक एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है, ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 ईयर्स ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो उसके लिए यह एक 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 जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 23 ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। तो ये कल हमारा हमारी एनडीए की मीटिंग के एक तरीके का विचार है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मित्रों, बहुत बहुत सारे लोग देख रहे हो, मैं सवाल पूछना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों को ले पाने की। विकास भदौरिया देखिए, कल की बैठक में कौन लोग शामिल होंगे ये आपको कल पता, तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमने हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड फॉर दैट लार्जर कॉज वो कब आना चाहते हैं। समय समय पर रीथिंकिंग शुरू होती है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है। फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है, हम एजेंडा बताते हैं। इसके साथ खड़े होना चाहते हो, होइए, हमने भेजा ही नहीं तो हम न्योता क्या दें। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं, हमारे अच्छे वातावरण है, अच्छा उनके साथ बर्ताव है और जिस दिन हम वो आएंगे उस दिन हम आपको सूचित कर देंगे, उसके पहले तो हम आपको भी सूचित नहीं कर सकते। रविंदर जी, देखिए ना, ये उनका विषय है कि किसको नेता बनाते हैं। अभी तक तो हमको दिखता है कि न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न फैसला लेने की ताकत है। जब हो जाएगा तब बात करेंगे, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। और दूसरी बात, हमारी हम कभी भी
किसी दूसरे की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते, मैंने कई बार बताया रविंदर जी। हम अगर तकलीफ में आते हैं तो हम अपनी कमजोरी को ढूंढते हैं, और हम जब जीतने का प्रयास करते हैं, और जब हम जीतने का प्रयास करते ही हैं, वो हम अपनी ताकत पर करते हैं। यतेंद्र जी, सर जब पहली मीटिंग पटना में यूपीए विपक्षी दलों की हुई थी, तो उसमें एक तरह से आम आदमी पार्टी ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कांग्रेस नहीं मानती तो वो मीटिंग में शामिल होगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार दबाव में आ गई है, और धमकी जो केजरीवाल ने की उसके प्रेशर में कि कांग्रेस ने कहा कि वो अध्यादेश पर उनका समर्थन करेंगे? ऐसा है, मैंने पहले कहा कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते ही करने पड़ते हैं। दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशंस। मूल बात क्या है कि 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले पर पर्दा, आधे लोग न्यायालय से बेल पर, और पहली सरकार भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही समर्थन से बनाई थी, तो कौन सी नई बात है? ये तो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक करने वाले हैं। देवेंद्र प्रसाद, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी की एक दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी का पढ़ाई लिखाई से लेना देना बहुत कम है, दूर दूर का रिश्ता नहीं है, कुछ जानते नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि इस साल एनडीए 25 साल पूरे कर रहा है अपने, 25 ईयर्स। जब मुझ जैसे लोग कहीं एमएलए हुआ करते थे, आज 25 साल पूरे हो गए। अटल जी ने अपनी पूरा कार्यकाल एज प्राइम मिनिस्टर देश को दृष्टि दी, मोदी जी अपने 2 टर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं, ये कुछ पढ़ते नहीं, देखते नहीं, जानते नहीं, फिर इस तरह की बातचीत करते हैं। कुमार, देखिए उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न देवेंद्र जी उठाया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि गलत केस हुआ है, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने इनको रियायत दे दी है, और कौन से ऐसा कोर्ट में कभी इन पर जब केस हुआ तो मैंने नहीं कहा कि जाओ जाकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटा के न्याय लो? जब आपकी बात ही न्याय संगत नहीं है तो विक्टिम कार्ड खेलना, बात को घुमाना, इधर से उधर की बात करना। नेशनल हेरल्ड का केस हमने किया है क्या? बेल पर है कि नहीं है? द सन एंड द मदर, इज इट नॉट अ फैक्ट? ये पढ़े लिखे लोग बार बार उनको उनके दिमाग में डालने की जरूरत है क्या? कौन से ऐसे लोग हैं जो जेल से बाहर आ सकते हैं और वो जेल के अंदर डाले हुए हैं, और कौन सा ऐसा हम लोगों ने काम किया है या ईडी ने किया है जिसके चलते ईडी से प्रश्न किया गया हो? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी हैज गॉट अ राइट, दीज आर इंडिपेंडेंट एजेंसीज। जब तुम जीत जाते हो तो ईसीआई पर बोलते नहीं हो, जब हार जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक में मशीन पर चर्चा करने लगते हो, और आप बार बार हमसे प्रश्न खड़ा करते हो जैसे हम ही कटघरे में खड़े होने के लिए हैं। तो बीजेपी चीफ जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और साथ ही ये भी उन्होंने बताया है कि जो महागठबंधन की बैठक हो रही है, विपक्षी महागठबंधन की, उसमें कोई नेतृत्व नहीं है, लेकिन हाँ जरूर जेपी नड्डा ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो एनडीए है वहां पर एक ताकत है और एकजुटता है और देश के लिए ये गठबंधन है।